अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ जी सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे अपने अपने घरों में। और ये सुबह का टाइम है और इस वक्त मैं बना रही हूँ काशिफ के लिए फ्रूट सैलड। तो उसके लिए मैंने रेड बीन्स लिए हैं, 1.5 कप के करीब हैं ये। मैंने कल रात में बॉयल करके इसके 3 पैकेट बना लिए थे मैयर करके एक जैसे, ताकि मुझे आसानी रहे। ये वो हैं, ठीक है जी। फिर उसके बाद एक एप्पल है, 3 बनाने और थोड़े से ग्रेप्स हैं। तो आजकल काशिफ जो है ना वो हेल्थी डाइट पे आ गए हैं। और ये कुछ बादाम रात को भिगो के रखे थे, ये मैं अभी ये डिस्पोजिबल कप में डाल दूँगी, उनको जब भूख लगेगी तो वो ऑफिस में खा देंगे, ठीक है जी। इसको साइड पे कर देते हैं, सबसे पहले ये डाल देते हैं इसमें। लोबिया डल गया, इसमें आप बहुत कुछ डाल सकते हैं, मतलब इसमें आप कह लें कि वो भी डल सकता है, प्याज, टमाटर, हरी मिर्चें, नींबू। लेकिन उनको जो है वो डॉक्टर ने रिकमेंड किया है आप फ्रूट्स और किसी हेल्थी डाइट पे रहें, तो इसलिए मैंने फिर उनको जो है ना फल के साथ इसे देना शुरू कर दिया। तो ये आज दूसरा दिन है मैं बना रही हूँ, तो मैंने सोचा कि चले आज आपसे इसकी रेसिपी जो है ना वो भी शेयर कर देते हैं और साथ में वीडियो भी हो जाएगी। इसी तरह से मैं एप्पल काट लेती हूँ, पूरा एप्पल डालूंगी इसमें, ठीक है जी। और साथ में ये थोड़े से ग्रेप्स हैं मेरे पास, ग्रेप्स डालूंगी। और इसमें मैंने कल भी थोड़ा सा काला नमक डाल दिया था और साथ में जो है ना मैंने ज़रा सा चाट मसाला डाला था, दैट्स इट। इसके अलावा मैंने इसमें और कोई भी चीज़ नहीं डाली थी। और आप लोग बताएं, जब आप कोई हेल्थी डाइट कर रहे होते हैं तो आपकी बेस्ट रेसिपी क्या है, आप क्या खाना पसंद करते हैं? तो इस तरह के सैलड जो है ना वो बेहतर रहते हैं हेल्थ के लिए। और मैं आपको बताऊं, ये इतना मजे का बना था कल भी, आप बिलीव करें, थोड़ा सा बच गया था डब्बे में से, तो मैंने 1-2 चम्मच लिए। इतना मज़े का मुझे लगा, मैंने कहा अच्छा लंच में ना मैं अपने लिए भी बनाऊंगी। लेकिन लंच में क्या हुआ कि मैं बिल्कुल भूल गई और मुझे याद ही नहीं रहा भी मैंने सैलड भी बनाना था, तो फिर मैंने बनाया नहीं। फिर ऐसा भी होता था कि जब कोई काम आपने अपने लिए करना होता है तो उसको आप स्किप कर देते हैं, यार नहीं तो वो कह लें कि बस मैं सुस्ती ही कर गई कि मैंने नहीं बनाया उठ के। मैंने कहा चलो नहीं बो। इसके साथ आजकल मैंने दलिया बनाना शुरू किया हुआ, तो अगर आप लोग कहेंगे तो मैं कंप्लीट जो काशिफ का लंच मेन्यू है ना वो आपके साथ शेयर कर दूँगी, ठीक है जी। ये आप देख लें, ये सैलड जो है ना वो बिल्कुल रेडी है, बस इसमें नमक डालेंगे और इसको लंच बॉक्स की जीनत बना देंगे। लंच बॉक्स भी हमने लिया ही है जिसके लिए सेपरेटली, थोड़ा बड़ा वाला लंच बॉक्स क्योंकि ज़्यादा होता है तो इस वजह से। और साथ साथ आप अपने किचन का जो काउंटर टॉप है उसको साफ कर लिए,
क्या जी, ज़्यादा नहीं जाएगा इसमें तो। चले इसे मैं लंच बॉक्स में पैक करती हूँ मिक्स करके। फिर आपको दिखाती हूँ। ये मैं इसे मिक्स कर रही हूँ अच्छी तरह से। इसको बॉक्स में डाल के मिक्स कर लो। ये पहले ऐसे मिक्स कर लेते हैं। ठीक है जी, ये हो गया अच्छी तरह से मिक्स। तो चले मैं आपको दिखाती हूँ बॉक्स। अच्छा जी, तो ये थे वो लंच बॉक्स इनकी हम बात कर रहे थे। ये 3 का पैक है और काफ़ी अच्छी क्वालिटी है इसकी। ठीक है जी, ये साइज जो है ना मुझे वैसे नहीं मिल रहा था, और जो मिल रहा था ना वो बड़ी मतलब हल्की क्वालिटी में मिल रहा था। सैलड के लिए इतना साइज बेस्ट है, और किसी ग्रेवी वगैरह के लिए इतना ठीक रहता है, इसलिए फिर ये मैंने तीनों ही ले लिया उनसे। ये मुझे मिले हैं कोई 750 के। ठीक है, और फिर मैं आपको दिखाती हूँ ये वाले बाउल। ये मुझे बड़े प्यारे लगे थे तो मैंने 2 ये ले लिए। ये मुझे एक मिला है 200 का। ठीक है जी, इतना मतलब मुनासिब सा है साइज़ कि इसमें आप सैलड सर्व कर सकते हैं, दही का रायता, मतलब मल्टीपर्पज़ है। और मैंने जो सोच के लिया, मैंने ये सोच के लिया कि अगर मैं पाई पकाऊंगी तो आराम से इसमें सर्विंग हो जाएगी। ठीक है, तो मैंने ये पाई के वजह से लिया। ठीक, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। काफ़ी मैंने जो है ना चीज़ें ली हैं, 6 मैंने ये वाली कटोरियाँ ली हैं, ये प्लास्टिक में हैं, ये भी मैंने ली है। हालांकि मैंने सोचा था कि इस दफ़ा तो मैंने वाइट में बर्तन नहीं खरीदे, लेकिन फिर भी वही 6 मैंने ये लिए। तो मैंने रेगुलर रूटीन का इस्तेमाल के लिए लिया है, क्योंकि अगर मैंने कहीं यूज़ करना होगा तो हो जाएंगे। उसके अलावा मैं आपको दिखाती हूँ, ये मुझे बहुत ही प्यारी लगी ना चीज़, वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। एक तो गिरा खोलना बड़ा मुश्किल काम है। ये बोतल भी ली हमने, खोलने में देंगे। ये वाले कप मुझे इतने ज़्यादा प्यारे लगे कि मैंने जैसे ही देखे ना मैंने खोले, ये मुझे चाहिए। या तो मेरे पास ऑलरेडी इतने कप हैं जिसका कोई हिसाब नहीं है। अच्छा, तो एक मैंने खरीदे हैं ये वाले। ठीक है, ये वाले कप मैंने खरीदे हैं। और भी है, अभी आपने कहा ना इसने क्या कोई स्टॉल लगाना है कपों का, और ये वाले कप जो है ना ये भी मैंने खरीदे, पर ये मुझसे ज़्यादा जो है ना दाऊद और मेहर को पसंद आए थे, तो ये फिर मैंने उनके कहने के लिए। कभी कभी ऐसा होता है ना कि बच्चे भी आपको मशवरा दे रहे होते हैं कि ये नहीं ये ले लो, तो उन्हें वो अच्छे लग रहे थे, मुझे ये अच्छे लग रहे थे, तो फिर हमने दोनों ही ले लिए। ठीक है, तो चले मिलते हैं आपसे बाद में। अब मैं जल्दी से जो है लंच पैक करूँ।
वापस आ गई हूँ मैं किचन में और इसको डाल रही हूँ डब्बे में, क्योंकि काशिप को लेट हो रहा है। मैंने कहा अभी अब आप निकलें जल्दी जल्दी से। और आज ना मुझे कोई ऐसी नींद आ रही है, मेरी आंखें नहीं खुल रही। मेरा दिल चाह रहा है कि मैं ना अभी भी सो जाऊँ बस। तो ये साइज़ देखने आप परफेक्ट है कि जितना मेरा सैलड है ना उस हिसाब से इसका साइज बिल्कुल ठीक है। ठीक है, एक बंदे के लिए ये सर्विंग काफ़ी है, इतना मैं अपने लिए बचा लूँगी। ये हो गए साथ बताओ। ठीक है जी, ये हो गया काशिक का लंच। तो चले मिलते हैं आपसे बाद में। चलो जी, पापा को भी दो। आपका कमरा खोल दिया? हाँ थोड़ा सा खोल दिया। नजर नहीं आ रही। तू बहुत घट दी ने वैसे। हाँ मैं भी लेता हूँ। जा यार बुला रहे हैं। चल माड़ी पास बैठी है। मैं भी होना चाहती हूँ।